हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इस क्वेश्चन को टोटल तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को टोटल तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स माइनस थ्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे वन अपॉन एक्स माइनस वन के बारे में, और फिर अपन बात करेंगे वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बारे में, और लास्ट में इन सबका अपन कॉमन सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है x माइनस थ्री। मान लीजिए फंक्शन अपना y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है, तो अगर y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब होता है यहाँ पर हम x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, मतलब इनपुट क्या क्या रख सकते हैं। इसमें फंक्शन हमेशा डिफेंड बना रहा है, आप चाहे माइनस रखो चाहे प्लस चाहे जीरो कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू डिफेंड रहेगी। इसका मतलब x के प्लेस पे आप यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड r। r मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो इस वाला फंक्शन का डोमेन जो हो गया वो हो गया x बिलोंग्स टू r। अब बात करते हैं वन बाय एक्स माइनस वन की। जैसे कि अपन जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वन y इज इक्वल टू वन बाय एफ एक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन p बाय q के फॉर्म में होता है तो उसमें q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर जीरो होता है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा लिखा हुआ है x माइनस वन, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते, 1 के अलावा आप कुछ भी रखोगे तो आपका आंसर हमेशा फंक्शन डिफाइन करेगा। ये तो हो गई बात दो फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शन नंबर 3 के बारे में कि यहाँ पर हम किस प्रकार से वैल्यू रखें। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हो, मान लो y इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एफ एक्स दिया है, तो हमें पता है जब फंक्शन रूट के अंदर होता है तो रूट के अंदर फंक्शन अगर कुछ लिखा हुआ है तो आपको पता होता है कि रूट मतलब जो फंक्शन अंदर लिखा है वो हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा अगर वो न्यूमरेटर में है। लेकिन यहाँ फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने पर फंक्शन नॉट डिफाइन बन जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा। तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर इक्वल टू रख देंगे तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, जीरो नहीं रख सकते रूट के अंदर। इसको वन फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखेंगे यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। इसको अगर नंबर एन पे शो किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू, ये होता है माइनस इनफाइनाइट, ये होता है प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ये इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, जिसमें हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे प्लस माइनस और प्लस। आप देखते हैं ये जो साइन है ये क्या शो करता है, ये साइन शो करता है कि आपका जो फंक्शन है वो हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू लेगा। इसका मतलब यहां से इधर तक और इधर से इधर तक, ये सारी वैल्यूज को अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि आपका जो एक्स है इसके हिसाब से क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू यूनियन टू टू इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है, तीनों सॉल्यूशन को कॉमन करना है। तो अगर आप देखेंगे तीनों को अगर कॉमन करना है तो मैं फिर से एक नंबर लाइन बना के बात करेंगे। ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, पहला वाला फंक्शन बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कुछ भी रख दीजिए। सेकेंड वाला फंक्शन बोल रहा है वन मत रखिए, वन को इंक्लूड नहीं करना है, वन इंक्लूड नहीं करना है। और ये बोल रहा है माइनस टू से प्लस टू में कुछ भी रख सकते हैं। अब आप देखेंगे ये बोल रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आप जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आप कुछ भी रख सकते हैं, सब कुछ अलाउ है। ये बोल रहा है वन मत रखिए, बाकी माइनस टू से इधर रख सकते हो, प्लस टू से इधर रख सकते हो। तो मतलब दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो कहां आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये कॉमन है और यहां से लेके यहां तक ये कॉमन जा रहा है। ये वाला इंक्लूड नहीं करना, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू
यहाँ पर टू इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने टू रखने पर जीरो बन जाता है, तो टू को इंक्लूड नहीं करना है हमें। यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, तो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फाइनाइट, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फाइनाइट। यहाँ पर हमें ओपन ब्रैकेट लगाना था क्योंकि यहाँ पर टू को इंक्लूड करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, और जीरो बनने पर ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। तो यह था आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।